So hello friends, how are you doing? Welcome back to my channel. I hope all are you doing absolutely fine. So Basilica of Bom Jesus or Saint Augustine Church देखने के बाद मैं चल पड़ा हूँ वास्को डा गामा. Yes, जब जोश मूवी आया था शाहरुख खान yes और ऐश्वर्या राय, उसके बाद मुझे टेम्प्ट हुआ कि वास्को डा गामा देखना बनता ही है. वैसे तो मैं काफ़ी बार पहले गोवा आ चुका हूँ पर यहाँ जाने का मौका कभी नहीं मिला. वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है, जैसे कि इंडियन नेवल म्यूजियम है यहाँ पे वहाँ पे, एंड ये वास्को डा गामा के वहाँ पे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आता है. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, हार्ट शेप्ड लेक. बट यस, रिव्यूज़ वहाँ पे मैंने पढ़े हैं गूगल पे कि वो अब प्राइवेट प्लेस हो चुका है. बट लेट्स गिव अ ट्राई एंड देखते हैं हमें प्लेस जगह देखने मिलती है या नहीं. अदरवाइज बीच तो है ही, बोगमेलो बीच है, वहाँ पे कुछ चिल करेंगे. सो गाइज, बेसिकली मैं इंटीरियर्स राइड करते करते पहुँच गया NH66. यस गाइज, ये हाईवे NH66 पनवेल से वाया कोची होते हुए कन्याकुमारी तक ये हाईवे कनेक्ट होता है. वैसे तो ये हाईवे का बहुत सारा काम चालू है, अभी तक अच्छे कंडीशन में नहीं है बट काम चालू ही रहता है. नो वरीज, ये आप राइट साइड में ब्रिज देख रहे हो, वो कंस्ट्रक्शन चालू है और मैं अब NH366 में कनेक्ट हो गया हूँ. यस, ये NH366 जो कि गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है. और ये रोड तो अफलातून है, बहुत ही मक्कर है. यहाँ पे मत गेस कीजिए, जब ये मैं ओवरहेड ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ उसके बाद नज़ारे कुछ अमेजिंग थे और राइड पूरी मक्खन थी. यस गाइस, हम मुंबई से आए तुम्हारे पेट्रोल पंप पे भैया, पेट्रोल भरने. पेमेंट से कट होगा ना, तो कोई हमको मार के गया, हमको मालूम नहीं पड़ा. आपको पहले ही पेमेंट कर दिया, देखो 500 रुपया किया, 500 रुपए का भर दिया. ऐसे ईमानदारी हमको मांगता है ना. अच्छा है ना कि आपको भी टेंशन नहीं, हमको भी टेंशन नहीं. तो सही बात है, और नुकसान किसका नहीं होना चाहिए. कल 850 रुपए शॉर्ट, क्या करेगा. मिला कि नहीं? नहीं मेरा कैमरा में देखा उसको. अच्छा, अभी इतना रश है तो किसको मानेगा, पैसा कौन दिया कौन नहीं दिया. चलो थैंक यू. सो स्वीट का है ना, बट उसका नुकसान हो गया यार. 800-850 रुपीज का नुकसान हो गया कल, किसी ने दिया नहीं, पेट्रोल पंप पे आके फ्री में पेट्रोल या डीजल भर के चला गया. इट्स रियली वेरी सैड यार, गरीबों के पेट पे लात मत मारा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक तो पहले से ही बहुत आइसोलेटेड जगह पर है और आप ऐसे करोगे, प्लीज गाइज डू नॉट डू दिस एट ऑल. किसी का नुकसान होता है बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है. कभी ना कभी वो आप पे भी लांगेगा, वो कभी ना कभी आप पे भी आएगा वैसे सिचुएशन, आपको भी कोई ना कोई चूना लगा के जाएगा. खैर कोई बात नहीं, चलो देन सनसेट पॉइंट देखने जा रहे हैं हम अभी. सी यू देयर. राइट साइड में जो आप कंपाउंड देख रहे हो, ये गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंपाउंड है. देखते देखते कुछ ही देर बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ गोवा भी देखने मिल गया.
फाइनली आई हैव रीच्ड एट बोगमालो बीच। तो बोगमालो बीच पे पहुंचने के बाद मुझे बहुत सुकून लगा और मैंने सोच लिया कि आज की शाम मैं यहीं पर गुजारूंगा। बोगमालो बीच वैसे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, डिस्टेंस वाइज 7.5 किलोमीटर। वैसे तो गाइज हार्ट शेप लेक देखने नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुका है, बट ये नज़ारा भी कुछ अमेजिंग था। वो जो आप शिप देख रहे हो वो इंडियन नेवी की है। तो गाइज मैं बहुत एक्सप्रेस करना चाहता था कि मैं कितना खुश हूँ गोवा आके, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया। मेरे माइक में पता नहीं बैटरी ख़त्म हो गई या कनेक्ट मैंने बराबर से किया नहीं था। रियली रियली वेरी सॉरी गाइज, मैं बहुत ही इमोशन हो गया था। मेरा ये लास्ट संडे ऑफ 2020 था एंड ये बोगमालो बीच पे भी, यस गोवा में भी लास्ट संडे था, लास्ट सनसेट था। सो ये वाइब्स को मैं अपने मेमोरीज बना के लेकर जाने वाला हूँ एंड आई विल नेवर फॉरगेट दीज मोमेंट्स इन गोवा विच आई हैव स्पेंट एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट इट। लाइक मैंने जहाँ जहाँ पे भी मैं घूमा हूँ, मैं जितना गोवा देख चुका हूँ इन 9 दिनों में, तो मैंने आपको बताया है व्लॉग्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। सो गाइस टेक्निकल प्रॉब्लम है, माइक का जो कनेक्टर है वो बराबर से नहीं चल रहा है। जब मैंने अभी ट्राइपॉड पे स्टैंड किया था, माउंट किया था, तभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और ये जब मैंने अभी हेलमेट पे माउंट किया है मोटो व्लॉगिंग के लिए, सो वो टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है साउंड। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, बैटरी का कोई इश्यूज नहीं है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। दोस्तों फिर से आया मैं पणजी। यस गाइज यहाँ की वाइब्स ही कुछ कैची थी, बहुत अट्रैक्टिव वाइब्स थे यहाँ पे, और मैं ये खूबसूरत नज़ारे देखना चाहता था आखिर में, क्योंकि ये मेरा लास्ट डे है गोवा में, तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे बगैर मेरे को चैन नहीं मिलता था। सो ये लाइटिंग स्पेशली जो क्रिसमस में न्यू ईयर के लिए वगैरह की जाती है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये मुझे कैप्चर करना था अपने ब्लॉग में। और ख़ास मकसद यही था गाइज कि रिट्स क्लासिक जाना है। यहाँ पे एक रिट्स क्लासिक एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। मेरा मकसद है कि फ़िश थाली खाने का, बट लेट्स सी फ़िश थाली अवेलेबल है कि नहीं। मैंने सुना है कि इवनिंग टाइम पे अवेलेबल नहीं रहती, सिर्फ आफ्टरनून के टाइम पे रहती है। सो कोई नहीं, लेट्स गिव अ ट्राई। थाली मिलेगा अभी? नहीं, थाली नहीं मिलेगा। अरे रे रे, हाँ
अनफॉर्चुनेटली माइक ने अभी भी जस्टिस नहीं किया। सो एनीवेज, वॉइस ओवर का टेक्नोलॉजी का साथ देते हुए मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अभी मैं आया हूँ रेड्स क्लासिक पणजी के आउटलेट में। इनके कई सारे बाकी जगहों पर भी आउटलेट्स है, बट मैं यहाँ पे जब भी गोवा जाता हूँ तो पणजी वाले आउटलेट में ज़रूर विजिट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिश थाली अवेलेबल नहीं थी। मैं इवनिंग के टाइम पे गया था, डिनर टाइम में फिश थाली नहीं अवेलेबल। आफ्टरनून लंच टाइम में आपको ज़रूर मिलेगी फिश थाली, वो ज़रूर आप ट्राई कीजिए जब भी आप जाते हो। बट अभी मैंने ऑर्डर किया है फिश बिरयानी। यस गाइस, लुक्स यम्मी इजंट इट, बट यस टेस्ट में भी बहुत लाजवाब थी। यू मस्ट ट्राई दिस एज वेल।